कानपुर रेल हादसे में साजिश की थ्योरी का अहम किरदार शमशुल होदा काठमांडू में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि होदा पर आईएसआई के इशारे पर रेलवे के खिलाफ साजिश रचने का शक जताया जा रहा है। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है। दुबई से उसके तार जुड़ रहे हैं, दुबई से डिपोर्ट उसे किया गया, काठमांडू में गिरफ्तारी हुई है। और बता दें आपको कि बीते दिनों जो रेल हादसे हुए उनका कनेक्शन इस शख्स से जुड़ रहा है। काठमांडू में रॉ आईबीएनआई की टीमें भी मौजूद हैं जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। शमशुल होदा इस शख्स का नाम है जिसकी गिरफ्तारी नेपाल के काठमांडू से की गई है। दुबई से इसे डिपोर्ट किया गया है लेकिन नेपाल से गिरफ्तारी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरह के सबूत, किस तरह की बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि शमशुल होदा का कनेक्शन जो रेल हादसे हुए थे उनसे था? जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि लगातार जो इंडियन एजेंसीज है रॉ आईबी उनको इनपुट मिल रहे थे, उसके साथ ही साथ नेपाल में दो लोगों की हत्या हुई थी जिसके बाद नेपाल पुलिस को भी इस तरह के सबूत मिले कि जो भारत में जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं इसके पीछे एक शख्स है जिसका नाम शमशुल होदा है, जो नेपाल का बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन दुबई में शिफ्ट हो चुका है। वो वहां पर बैठकर जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर के जो क्रिमिनल्स हैं उनके जरिए पैसों के दम पर भारत में ट्रेन हादसे करवा रहा है और ट्रेन हादसों की ट्रेन के जो दुर्घटना है उनकी साजिश रच रहा है। उसके बाद जो इंडियन एजेंसी है वो सक्रिय हुई है, नेपाल पुलिस भी सक्रिय हुई, उसके बाद इंटरपोल की मदद से शमशुल होदा को काठमांडू में गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी चीज ये है, आपको बता दूं नेहा, कि बड़ा सबूत मिला है जो नेपाल में कुछ जो पकड़े गए थे आरोपी उनके मोबाइल फोन से तकरीबन 3.5 मिनट का ऑडियो क्लिप मिला है जिसमें कानपुर हादसे की ही बात कही गई है, जिसमें बताया बातचीत में ये बोला जा रहा है कि कानपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ था बकायदा उसका फेस प्लेट निकाला गया था। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया।